जो आप अधिकार की फायर प्रेयर करते हैं, तो आत्मा में प्रार्थना करना उसको शक्तिशाली बनाता है। आप रोज मन लगा के आराधना करें, आप रोज मन लगा के आत्मा में प्रार्थना करें, आप अन्य भाषा पा लेंगे। किन लोगों को नहीं मिलती? जो लोग डायरेक्ट अन्य भाषा का वरदान पाना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मे के द्वारा शुरू होता है, वो कहते हैं बस वरदान मिल जाए। अगर तेरी आराधना रोज निरंतर, एक नहीं कि एक के पांच दिन पहले तूने आत्मा में प्रार्थना की थी, नो, जब रोज तेरी आत्मा में प्रार्थना होती है और निरंतर 5-7-10 दिन तेरे हो गए आत्मा में प्रार्थना करते हुए, तो आत्मा इतना अद्भुत रीति में तुझ पर उतरना शुरू होगा। अब वो आत्मा तेरे साथ होकर के प्रार्थना नहीं कर रहा होगा, अब वो आत्मा तुझे वरदान दे रहा होगा, तुझे भर रहा होगा। हालेलुया, क्योंकि उसे पता ये रोज मेरे साथ आने, ये वफादार बंदा है, ये मेरे काम का बंदा है, ये कोई भी काम इसको आए पर इसने प्रेयर नहीं छोड़े, मेरे साथ आना नहीं छोड़ा। किसको पवित्र आत्मा वरदान देता है? जो साबित कर देता है हालात कुछ भी हो मैं तेरे साथ बैठूंगा ही बैठूंगा, उसे पवित्र आत्मा कहता है ये काम का बंदा है, इसे वरदान दूं तो ये मिस यूज नहीं करेगा, उसको लेके बैठा नहीं रहेगा, ये यूज करेगा उसे, तो उसको वो वरदान देता है। चल आत्मिक उन्नति के लिए अन्य भाषा का वरदान ले, चल दूसरों की चंगाई के लिए चंगाई का वरदान ले, चल ये भविष्यवाणी का वरदान ले, चल ये आशीष ले, चल मैं तुझे सेवा में खड़ा करता हूँ, चल मैं तुझे अभिषेक करता हूँ, चल मैं तुझे आत्मा की परख देता हूँ, चल मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान की बातें देता हूँ, चल मैं तुम्हें विश्वास का आत्मा देता हूँ। हालेलुया। तो आत्मिक उन्नति टीचिंग आप 25 आज आप सुन रहे हो, आत्मा से प्रार्थना और आत्मा में प्रार्थना, आत्मा से और आत्मा में प्रार्थना करना ये क्या है, इसकी क्या गहराई है, इसकी और हम बढ़ेंगे और प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। आप जो एक प्रार्थना कर रहे थे कि रोकने और हो जाने के अवसर देने वाली अधिकार की फायर प्रेयर और आत्मा में प्रार्थना करने से, अब मैं आपको बताता हूं कि जो रोकने और अवसर देने वाली अधिकार की फायर प्रेयर जो आपको कर रहे थे, आत्मा में प्रार्थना करना इस फायर प्रेयर को शक्तिशाली बनाता है। यह आज का टॉपिक है, का पहला पॉइंट है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं कैसे, जैसे आत्मा में प्रार्थना के द्वारा आपके लिए फायर प्रेयर हमारे द्वारा की जाती है, तो हम उन स्पिरिट को पकड़ते हैं आत्मा में होके, आत्मा में आराधना की जाती है, आत्मा में प्रभु से दिल की बातें की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आवाज को सुना जाता है, आत्मा में होके भविष्यवाणी की जाती है, आत्मा में होके अगुवाही दी जाती है, आत्मा में होके फायर प्रेयर भी की जाती है। फायर प्रेयर मतलब अधिक शैतान के शक्तियों के खिलाफ अधिकार की फायर प्रेयर। तो आत्मा में जब आप प्रार्थना करते हैं फायर प्रेयर में, अगर आप बिना आत्मा में कर रहे हैं, आप शरीर में कर रहे हैं फायर प्रेयर, बोल रहे हैं बस, जो मन में आ रहा है, जो शरीर में आ रहा है, जो मुंह पे आ रहा है, वहां पर फायर कर रहे हैं। और जब तक आप आत्मा में होके, जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे उसके बाद आप फायर प्रेयर करेंगे, आप देखेंगे, आप पकड़ेंगे स्पिरिट्स को, आप पकड़ेंगे स्पिरिट्स को, वेद की रीति पर आप पकड़ोगे, वेद की रीति पर आप उन स्पिरिट, आपको पता है कहां प्रेयर करनी, मुझे कैसे प्रेयर करनी, कौन सा वचन बोलना है, किस रीति से प्रेयर करनी है, इस मसले के पीछे क्या योजना है, इस मसले का पीछे हाथ किसका है, इस प्रेयर को मुझे करना कैसे है। तो जब आत्मा में होके आप फायर प्रेयर करते हैं, जैसे मैंने पकड़ा था कि अण आज्ञाकारिता की आत्मा, आपके विरोधी कौन है, स पर शरीर, स पर शैतान और स पर संसार, पहले स पर संसार और सब पर फिर शरीर और फिर सब पर शैतान, पर अगर बीच में आता है शरीर और शैतान शरीर पर कब्जा करता है और संसार शरीर को चुनौती देता है, आपके मतलब जीवन शरीर प्राण आत्मा आपकी लाइफ को, तो अगर आपने शरीर को जीत लिया तो आपने शैतान को रोक दिया, शैतान के आगे जीत हासिल कर ली अपने हिस्सों पर, तो आपके ये तीन विरोधी है, ये क्या किया, आत्मा में आत्मिक अगुवाई में आत्मिक फायर प्रेयर प्राप्त की गई। और आगे अगले ही दिन क्या की जाती थी, उसके लिए प्रेयर, फायर प्रेयर। तो समझ पा रहे, आत्मा में प्रार्थना करना आपको आपकी फायर प्रेयर को शक्तिशाली और सामर्थ्य बनाता है।
अगर आप आत्मा में होकर फायर प्रेयर करें, शारीरिक रूप में फायर प्रेयर हर कोई कर सकता है, शारीरिक रूप में अन्य भाषा में हर कोई कर सकता है प्रार्थना, पर आत्मा में होके करना, शारीरिक रूप में आराधना करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी उठ के गीत गा सकता है। अगर मैं बोलूं आज जो कोई गीत गाना चाहता है 15 बंदे खड़े हो जाएंगे, 20 खड़े हो जाएंगे, 50 खड़े हो जाएंगे, पर रूह और सच्चाई से आराधना करना प्रभु को ग्रहण योग्य तो आत्मा से करना। तो इसलिए आप समझ पा रहे, तो आत्मा से आराधना करना पहला पॉइंट जो आप सीख रहे, आपकी फायर प्रेयर को शक्तिशाली बनाता है, सामर्थ्य बनाता है, और आपकी फायर प्रेयर में काम होते हैं। जो आप रोक रहे हैं अवसर दे रहे हैं वो हो रहा है, जो आप कह रहे होने को वो होगा, जो आप रोक रहे हैं आपकी लाइफ में ये बुरा रुक जाए, थम जाए, शैतान की जो नाश हो तो वो नाश होगी, क्योंकि आपने आत्मा में होकर बोला। हालेलुया। अगला पॉइंट जो आप सीखेंगे, इसलिए इस हफ्ते की आत्मिक अगुवाई क्या है, आत्मा से और आत्मा में प्रार्थना करना, इसलिए बना है ये टॉपिक, क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करने से फायर प्रेयर शक्तिशाली होती है। इसलिए इस हफ्ते की आपकी आत्मिक अगुवाई है कि आत्मा से और आत्मा में प्रार्थना करना। इन ऐसी प्रेयर से, आत्मा से प्रार्थना करना और आत्मा में प्रार्थना में क्या अंतर है कल आप सीख चुके, इससे आपकी प्रेयर शक्तिशाली होगी। तो अगला पॉइंट जो आप नोट करेंगे, अब वो प्रेयर शक्तिशाली कैसे होगी, शक्तिशाली वो कैसे होगी वो प्रेयर, उसके पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो आत्मा से प्रार्थना करना मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जब आप आत्मा से प्रार्थना करना है, कहता मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना। तो जो पहला तरीका आप सीख रहे हैं कि आत्मा में प्रार्थना करना आपको शक्तिशाली बनाता है, आपकी फायर प्रेयर को आत्मा में प्रार्थना करना, तो दूसरा पॉइंट क्या है उसमें वो सीखेंगे। तो पहला पॉइंट है, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से आपकी आत्मा शक्तिशाली होती है। आत्मा से प्रार्थना करने से, आत्मा से प्रार्थना करना मतलब अन्य, अगर मैं से बोलूं तो अन्य भाषा, अगर मैं बोलूं तो हृदय से आत्मा में प्रार्थना जो आपकी आत्मा से होती है। ओके, तो कैसे होती है, बाइबल में लिखा है वरदानों से कलीसिया की उन्नति होती है। वरदानों से क्या, वचन में लिखे जो वरदान है, तुम बड़े से बड़े वरदान की उन्नति में रहो, क्योंकि वरदान के बढ़ने से कलीसिया की उन्नति होती है। तुम्हारे वरदानों से कलीसिया की उन्नति होती है, तुम्हारे वरदानों से तुम्हारी उन्नति होती है। तो जिसको अन्य भाषा का वरदान मिला है तो उन्नति होती, कुछ वरदानों से कलीसिया को उन्नति होती, कुछ वरदानों से आपकी उन्नति होती है। बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, आत्मा में प्रार्थना, आत्मिक उन्नति, आत्मा से प्राप्त, तो कुछ वरदानों से, तो वरदानों से आत्मिक उन्नति होती है। जो आप आत्मिक उन्नति सीख रहे हैं, तो अन्य भाषा के द्वारा क्या होती है, लेकिन जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसकी आत्मा उन्नति करती है, उसकी आत्मा उन्नति करती है। तो पहला, अपनी फायर प्रेयर को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा से प्रार्थना करना मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करना। जब आप अन्य भाषा में प्रेयर करते हैं फिर फायर प्रेयर करते हैं तो आपकी फायर प्रेयर शक्तिशाली होती है, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, अपनी आत्मा की उन्नति कर रहे हैं, अपनी आत्मा को शक्तिशाली कर रहे हैं, अपनी आत्मा को सामर्थ्य कर रहे हैं। और जैसे अपनी आपकी आत्मा शक्तिशाली और सामर्थ्य होती है तो फिर आप अधिकार की फायर प्रेयर कर पाते हैं, फिर आपकी प्रेयर शक्तिशाली हो जाती है। जब आप फायर प्रेयर करते हैं, जब आप गैर जुबान में प्रार्थना करते हुए फायर प्रेयर करते हैं, हालेलुया, तो अन्य भाषा में आपकी आत्मिक आत्मा उन्नति करती है और सामर्थ्य होती है। फिर आत्मा में प्रार्थना करने से उस सामर्थ्य का उपयोग किया जाता है, ये बात लिखनी है आपको। अन्य भाषा से आपकी आत्मा उन्नति करती है और फिर उसका आत्मा में प्रार्थना में उसका उपयोग किया जाता है। मतलब अब जब आप आत्मा में प्रार्थना, अब आप उन्नति तो कर गए, मान लो आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी आत्मा उन्नति कर चुकी है, सामर्थ्य हो चुकी है, तो फिर जब आप आत्मा उन्नति कर चुकी है, एक तो ये है कि आप आत्मा उन्नति कर चुकी है आप फायर प्रे कर सकते हैं, एक ये कि आत्मा जब उन्नति कर रही है आप आत्मा में होकर फायर प्रे कर सकते हैं। फिर जब आत्मा से प्रार्थना करने से आपकी आत्मिक उन्नति हो गई अन्य भाषा से, तो फिर आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, जो कल आपने सीखा। अब आप समझ में, अगर मैं आत्मा में बोलता जा रहा हूं आपको समझ नहीं आ रहा है वो कैसी होती,
इसलिए आपको कल का सुनना पड़ गया सरमन। तो इसीलिए आपको उस बात को समझना है तो आपकी आत्मा उन्नति होती है। तो आत्मा में प्रार्थना जब करते हैं उस सामर्थ्य को आप उपयोग करते हैं। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं जो सामर्थ है, अन्य भाषा में आत्मा से प्रार्थना करने के समय आपकी लाइफ में, तो आत्मा में प्रार्थना करते हुए आप उस सामर्थ को उपयोग करते हैं। मैं इस सामर्थ को इस हिस्से में भेजता हूं, मैं अपने इस हिस्से में भेजता हूं, मैं अपने इस हिस्से में भेजता हूं। आप स्पिरिट के द्वारा प्रेयर कर पाते हैं। तो बिना भेद के, बिना स्पिरिट के, कई वक्त शैतान के ऊपर मान लो आप फायर बोल रहे हैं, आप रुक जा बोल रहे हैं शैतान को, शैतान को वो सुना ही तक नहीं, समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि आत्मा में होके नहीं। शैतान कौन है? आत्मिक जगत, आत्मिक संसार। दुष्टात्मा क्या? एक आत्मिक संसार है। तो उस आत्मिक संसार को आप एक शब्द से बोल के कैसे दूर कर सकते हो, ये आपको समझना है। जब तक आप आत्मा में होके वो फायर प्रेयर नहीं करेंगे तो वो आत्मिक संसार को नहीं सुनता, समझ पाए? आत्मा में फायर प्रेयर करना शक्तिशाली कैसे हो जाता है। तो जब आप आत्मा में होकर वो फायर प्रेयर नहीं कर रहे हैं तो आत्मिक संसार में वो कैसे सुनेगा शैतानी दुष्ट आत्मा को, उन जादू और सोने वालों को। मान लो वो उधर राजस्थान में बैठा है जादू टोने करने वाला है, मान लो एक व्यक्ति फॉरेन में बैठा है, उसकी लाइफ में किसी ने जल के उसकी लाइफ को विरोधी है, उसने इंडिया में जादू टोना करवाया उसकी लाइफ में, तो क्या इतनी दूर से वो कैसे? केवल आत्मिक आत्मिक आत्मा में होके ही वो इतनी दूर आत्मिक जगत में अटैक कर सकते हैं। आत्मा में होके आप पूरे वर्ल्ड में दुष्ट आत्मा जो काम कर रही है उन्हें टच कर सकते हैं आत्मा में प्रार्थना के द्वारा, फायर प्रेयर। इसीलिए आपका ये लक्ष्य है इस समय, आत्मा में होते हुए प्रेयर शुरू करना। और रोज आपका लक्ष्य होगा मुझे आत्मा में प्रवेश करके प्रेयर करनी, उपवास सहित आपका रोज लक्ष्य होगा, रोज लक्ष्य होगा कि मुझे आत्मा में प्रेम। रोज आपको लक्ष्य रखना है फास्टिंग के साथ, रोज लक्ष्य रखना है कि मुझे आज आत्मा में होके फायर प्रेयर करनी, मुझे आत्मा में होके आगे बढ़ना है। ता जो जब आप सुन रहे हैं आपके अंदर जलन और करने की इच्छा जाहिर हो रही, क्योंकि विश्वास सुनने से बढ़ता है। हे आप सुनने से आता है उस कार्य को करने का, आत्मिक अगुवाई मतलब आपको उसे करना। तो इसीलिए आपको जो आत्मा आपकी सामर्थ्य होती तो आप उसे आत्मा में प्रार्थना में उसे उपयोग करते हैं। हालेलुया। अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा आत्मा सामर्थ्य हुई, आत्मा में प्रार्थना के द्वारा उस सामर्थ्य को उपयोग किया गया फायर प्रेयर में। तो अगर आपके पास वरदान नहीं है अगर अन्य भाषा का, तो आपको तो फिर क्या होगा? तो अगर मान लो किसी के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं, तो बहुतों के पास नहीं है ये तो कल मैंने बताया था। अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान है इसका मतलब ये नहीं कि आप शारीरिक हैं, वो गिफ्ट है, वो वरदान है। और वो कैसे ले सकते हो? आज एक लाइन से आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आपको कोई रोक नहीं सकता अन्य भाषा के वरदान को लेने में, आपको एक लाइन में वो सीक्रेट मिल जाएगा। तो अगर वरदान नहीं है आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, और इसे करने से आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं, मतलब आपके पास आत्मिक उन्नति के लिए अन्य भाषा का वरदान नहीं पर आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। अन्य भाषा से आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं पर आत्मा में प्रार्थना मतलब अपने हृदय से प्रार्थना, 5-6 पॉइंट कल बताए थे उसे सुन लेना दोबारा जाके। तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में मैं ये बार बार बोलूं, दोबारा जाके सुन लो, आपको आदत बनानी ताकि हम आगे की अगुवाही पर ही बात करें, एक भी लफ्ज पिछली अगुवाही का ना लें और बाकी कलीसिया का फायदा हो जो आगे के लिए भूखे होते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आप आत्मा में प्रार्थना मतलब रूह और सच्चाई से जैसे आप आत्मा में आराधना करना आपने सीखा था पिछले हफ्तों में आत्मिक अगुवाई में, ऐसे ही आत्मा में होकर प्रार्थना करना। आपकी प्रार्थना जब आपको पता लगता है कि मेरी आत्मा में होकर प्रार्थना की है, जिसमें आपकी प्रार्थना में वचन आते हैं, आत्मा आपको वचन देता है, जिसमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना मतलब आपको वचनों से प्रार्थना आपकी होती है, आत्मा में प्रार्थना मतलब आप प्रभु की आवाज को सुनते संपूर्ण हृदय से आपके वो प्रार्थना निकलती है और आप प्रभु की आवाज को सुनते अपनी जिंदगी में उस आवाज के अनुसार आप फिर आत्मा में प्रार्थना कर पाते हैं। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु से पूरे प्रेम से भरकर प्रार्थना करना आत्मा में प्रार्थना है, वचनों के साथ। अगर कल कुछ पॉइंट लिखाए थे, ये 3 पॉइंट नए हैं कि आप पूरे प्रेम से भरकर
आप प्रार्थना करते हैं, आप वचनों के साथ प्रार्थना होने लग जाती है, आपकी पूर्ण हृदय से प्रार्थना होने लग जाती है, आपकी आत्मा की आवाज सुन के, सीधा ये पॉइंट जरूर लिखना, आत्मा की आवाज सुन के प्रार्थना होनी शुरू होती है आपकी, मतलब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाही कर रहे हैं, सीधा कह सकते हैं जब आत्मा की आवाज सुन के प्रार्थना करना, जब आत्मा की अगुवाही से, मतलब पवित्र आत्मा और आपकी आत्मा जब ये दोनों मिलके प्रार्थना करते हैं, जब आपकी आत्मा के साथ, तो ये आत्मा में प्रार्थना हो जाती है, जिसमें आपका श्रेणी, आपकी आत्मा और परमेश्वर का आत्मा, यीशु मसीह के साथ सहभाग्यता करना, सहयोग करने वाली प्रार्थना आत्मा में प्रार्थना होती है, यीशु की प्रार्थनाओं में शामिल होना, यीशु की मध्यस्थता में शामिल होना, पवित्र आत्मा की मध्यस्थता में एक होना, जो वो विनती लगातार करते हैं पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु हमारे लिए बाइबल में लिखे, उस विनती के साथ एक होना मतलब आत्मा में प्रार्थना है। तो अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आप आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं। और पता क्या होगा, आज एक बड़ी बात जो प्रभु ने बता दी, और इसे जो आत्मा में प्रार्थना आप करते रहेंगे, अन्य भाषा पता कैसे मिलती है, एक लफ्ज में अगर आप अन्य भाषा का वरदान पाना चाहते हैं तो कैसे होता है, अन्य भाषा का प्रदान पाने के बाद आत्मा में प्रार्थना की शुरुआत नहीं होती, आत्मा में प्रार्थना की शुरुआत होने के बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करने की शुरुआत होती है। हालेलुया। अगर आप आत्मा में प्रार्थना रोज करते रहे निरंतर, तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान आप पाएंगे खुदावन यीशु मसीह के नाम में। आप समझ चुके हैं, अगर आप आत्मा में प्रार्थना करते रहे रोज, उसके लिए बस आपको हृदय लगाना है, अपना मुंह नहीं, बस पूरा मन प्रभु से जोड़ना है, पूरा प्यार प्रभु से जोड़ना है, और प्रभु की आवाज सुनने की इच्छा रखनी है, और रोज प्रार्थना में बैठ के समर्पण करके अपना पवित्र आत्मा आत्मा में प्रार्थना शुरू हो, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूं, आई हवा की बाढ़ जो रहे हैं कि वो आए और आत्मा में प्रार्थना की शुरुआत हो। जब आप रोज इस प्रार्थना में आदत बना लेंगे, ये नहीं प्रार्थना करके काम पे गए, रात को प्रार्थना करके सो गए, आप रोज की प्रार्थना में कि आत्मा में मेरी प्रार्थना की शुरुआत हो, आप कहेंगे परसों मेरी आत्मा में प्रार्थना में शुरुआत हुई थी, दो दिन नहीं हुई, दो तीन दिन आप नहीं हुई, तीसरे दिन होगी अगर आप भूख से बने रहे। ऐसे होता है कि आप इंतजार कर रहे हैं, आप बाढ़ जो रही है प्रभु की आत्मा की आने की और उस आत्मा से प्रार्थना शुरू होने की। और जब आप रोज इसे उसकी आदत बना लेंगे, लक्ष्य मेरा यह है प्रार्थना में कि आज मैं प्रेयर में बैठा हूं, कि लक्ष्य क्या है कि आत्मा में प्रार्थना तक पहुंचना, हफ्ते में पूरा हफ्ता है ये करने का, प्रैक्टिकली कितने दिन आप आत्मा में प्रार्थना कर पाए। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप आत्मा में प्रार्थना करेंगे, अगर आप रोज आत्मा में प्रार्थना करते रहे, कैसे अन्य भाषा आप पाते हैं? जब मैंने कब अन्य भाषा पाया, 10 महीने हो गए मसीह में आए हुए, 10 महीने हो गए लगातार प्रभु में चल रहा हूं, और जब मैंने अन्य भाषा पाया, धीरे धीरे प्रार्थना के बारे में सीखा, प्रेयर के बारे में सीखा, कैसे आराधना करनी चाहिए, रूह और सच्चाई से कैसी आराधना करनी चाहिए, वो आराधना सीखी, जैसे रूह और सच्चाई से आराधना निकलने लगी मेरी, और फिर जैसे ही रूह से और सच्चाई से हृदय से आत्मा से फिर प्रार्थनाएं निकलने लगी, उसके बाद अन्य भाषा का वरदान मेरे जीवन में उतर आया। हालेलुया। तो इसलिए अगर आप आत्मा में प्रार्थना रोज करते रहे, वर्शिप करते रहे, तो आप अन्य भाषा, फिर आत्मा से भी, अन्य भाषा से भी आप प्रार्थना कर पाओगे, वो वरदान भी आपके जिंदगी में आएगा। मेरे ख्याल से आज से किसी का भी ये प्रश्न नहीं रहेगा कि मैं अन्य भाषा का प्रदान पाने के लिए क्या क्या करूं, क्या क्या नहीं। एक काम करो, बस लगे रहो इसमें, तुम पाओगे ही पाओगे, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाते अन्य भाषा से भर जाओगे यीशु नाम। हालेलुया। अगला पॉइंट मैं अभी आपको दूंगा। तो आत्मा में प्रार्थना करने से आप आत्मा से प्रार्थना करने का वरदान हासिल कर सकते हैं, समझ पा रहे ना, आत्मा में प्रार्थना, यही पॉइंट, आत्मा में प्रार्थना करने से आप आत्मा से अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान हासिल कर सकते हैं, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करने का आप उस गिफ्ट को पा सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है? ये तो हुआ अन्य भाषा के द्वारा, अपनी आत्मा से प्रार्थना करने के द्वारा, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा अपनी फायर प्रेयर को शक्तिशाली बनाना। अगर अन्य भाषा का वरदान नहीं है तो आत्मा में प्रार्थना करते रहो, रोज अपनी प्रेयर में आत्मा में प्रार्थना होने का इंतजार करो, और जब ये प्रेयर निरंतर होने लगी 5-7-10 दिन, तो पवित्र आत्मा वरदानों के रूप में उतरना शुरू हो जाएगा, तुम अन्य भाषा का वरदान भी पा लोगे। दूसरा तरीका आप नोट करेंगे, सिर्फ दो ही पॉइंट है आज के, तो वचन का उपयोग,
वचनों के द्वारा प्रार्थना करना, वचन का उपयोग आत्मा में होकर करना, वचनों का उपयोग करना। जब आप वचनों का आत्मा में होकर वचनों का उपयोग करते हैं तो इससे आपकी प्रार्थना शक्तिशाली होती है। जब आत्मा में होकर आप वचनों का उपयोग करते हैं फिर आपकी फायर प्रेयर शक्तिशाली हो जाती है, सामर्थ्य हो जाती है। आत्मा में होकर वचनों का उपयोग करना के वचनों के द्वारा फायर प्रेयर सीधा कह सकते हैं शक्तिशाली होती है। आत्मा में होकर वचनों का, केवल वचन का उपयोग नहीं करना, यहां याद रखे ध्यान से, मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि वचनों का उपयोग करना फायर प्रेयर। वचन तो आप करते हैं, प्रभु ने मुझे सांपों और बिच्छू को रोंदने का अधिकार दिया, मैं ये वचन की बात नहीं कर रहा हूं। आत्मा में होके वचन का उपयोग करना, समझ पा रहे हैं? आत्मा में होके वचन का उपयोग करना मतलब आपको आत्मा बता रहे, अगर ये चीज हटानी है, ये पहाड़ हटाना है, ये जहां जीत हासिल करनी है, ये टेस्टमनी लेनी है, इस ग्रेस को लेना है, इस लेवल को लेना है, तो ऐसे इस वचन का उपयोग करके प्रार्थना कर, इस वचन को ऐसे लेके प्रार्थना कर। एक ही वचन को आप आज पढ़ो कुछ और सिखाएगा, कल पढ़ो कुछ और सिखाएगा, आप 15 दिन बाद पढ़ो कुछ, उसमें एक ही लाइन में कुछ और दिखेगा, एक साल बाद, दो साल बाद, पांच साल बाद, हमेशा आपको नया मिलेगा। तो इसका मतलब क्या वचन से केवल? नो, वचन के पीछे जो प्रकाशन आपको दिया जाता है, एक वचन के पीछे कितने प्रकाशन आपको दे सकते हैं आत्मा। तो इसलिए वचनों के द्वारा आत्मा में होके वचन को उपयोग करना से आपकी फायर प्रेयर सामर्थ्य होती। इसके लिए आप अब पढ़ेंगे, क्योंकि आत्मा में प्रार्थना के लिए वचन आप कल पढ़ चुके हैं, तो मैं वचन के लिए पढ़ूंगा, अन्य भाषा के लिए आप कल पढ़ चुके हैं। तो इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसकी 17 आयत, 17 में लिखा, और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बोलो आत्मा की तलवार, नहीं नहीं नहीं, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। बोलो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। फिर से बोलो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब वो कह रहा है आत्मा की तलवार मतलब जो परमेश्वर का वचन है, अगर हम इसके साथ अगला वचन पढ़ लें, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, आत्मा से नहीं आया यहां पर, में आया, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। मतलब आत्मा में प्रार्थना बोलो करते रहो, इसमें जो हमें लेना है उसे याद रखना है, आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। वो मैंने आपको वेद बताया था, आत्मा में प्रार्थना रोज करते रहो, वरदान भी मिल जाएंगे, अन्य भाषा के वरदान भी मिल जाएंगे। आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ये नहीं कि महीने पहले की थी उसके बाद तो मन नहीं लग रहा, मिलता नहीं, बस शरीर से प्रार्थना करके वासियां वूसियां ले आके उठ खड़ी था, नहीं, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। मतलब रोज तेरी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ जुड़ी है और वो आत्मा देखती है तुम वफादार हो मेरे साथ, मैं तुझे कुछ दे सकता हूं। आत्मा में प्रार्थना करते रहो और इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हमें इसे ऐसे पढ़ना है, हमें 17 और आयत और 18 को बिचकार बिचकार से पढ़ेंगे, 17 को दोबारा पढ़ेंगे। आत्मा की तलवार वचन को ले लो, सीधा कहता है आत्मा की तलवार वचन को ले लो और उसे उपयोग करने के लिए तुझे क्या करना होगा? उपयोग करने के लिए लिखा है आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ये है भेद। तो आत्मा की तलवार क्या है? वचन। तो आत्मा में प्रार्थना करके ही उस तुम तलवार को कहता है यूज करना, वचन को केवल शब्दों से मुंह से नहीं। इसीलिए आज मुंह से जो बिलीवर बोलता है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, कुछ नहीं हुआ, क्यों? वचन है। आत्मा में होकर अगर यही तुम वचन को बोलो तुम देखोगे ये वचन काम करेगा। तुम रोज प्रभु बोझलो, प्रभु तेरा ये तेरा बदन है जो मेरे लिए तोड़ा गया, ये मेरी चंगियाई है, लिया और तुम चंगे नहीं हुए, क्यों? वो ही प्रभु को अब प्रभु बोझ के तुम आत्मा में होके लो तो तुझे चंगा करता है। जैसे आपने चर्च में देखा प्रभु बोझ लेते ही लोग चंगे हो गए, प्रभु बोझ लेते ही चंगे हो, क्यों? आत्मा में उन्हें प्रभु बोझ दिया गया, आत्मा में होकर ऐसे ऐसे करके लो, ऐसे ऐसे करके लो, आत्मा में होकर, ना कि बाइबल में
प्रभु भोज के 7 वचन निकालकर पढ़ाकर उसे दिया गया है। चलो जी 7 वचन पढ़ते हैं प्रभु भोज के विषय से। ओके हुण लैने नो, फिर हीलिंग नहीं करेगा क्योंकि आपने ज्ञान को पढ़ा है। ज्ञान आत्मा के बिना काम नहीं करता। तो आत्मा की तलवार को आत्मा में प्रार्थना में उपयोग करो, मतलब वचनों को आत्मा में प्रार्थना में उपयोग करो। ये दोनों एक साथ क्यों आए? कहते वचनों को आत्मा में प्रार्थना में आत्मा की तलवार को यूज करो। ये लाइन को लिखो, बोलो आत्मा में प्रार्थना में आत्मा की तलवार वचन का उपयोग करना। आत्मा में प्रार्थना में आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसका उपयोग करना, मतलब वचन फिर तलवार है जो काटती है शैतान को, उसकी योजना को चीर फाड़ती है, नाश करती है आपकी जिंदगी में। शैतान के सामने फायर प्रेयर में लड़ती है, वचन फायर प्रेयर में लड़ाई लड़ता है। और क्यों? शैतान आपसे नहीं डरता, ये याद रखना, वो यीशु के वचन से डरता है, वो आपसे नहीं डरता। और जिसको ये पता चल गया कि वो शैतान मुझसे नहीं डरता, वो वचन से डरता है और वचनों में उपयोग करेगा आत्मा में होकर, देखना शैतान की दौड़ लगती है, भाजड़ा पहनती है तुहाडी लाइफ तो। हालेलुया, समझ पाए आप? तो आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसका उपयोग करने के लिए आत्मा में प्रार्थना करने को यहां पर कहा गया है। इस हम वेद पर पहुंचे कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसका उपयोग करने के लिए आत्मा में प्रार्थना करने को कहा गया है। यहां पर आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसका उपयोग करने के लिए आत्मा में प्रार्थना करते रहो के लिए कहा गया है। आत्मा में प्रार्थना करते रहो, आत्मा में प्रार्थना में वचन का उपयोग करते रहो, फायर प्रेयर करते रहो, मतलब करते रहो। जिस दिन फायर प्रेयर नहीं करोगे, तुमने मतलब करते रहो वाला वचन नहीं फॉलो किया। फिर कह रहे हैं पासे शैतान चुंडी बढ़ गया। ओके की होया भैन जी, प्रेयर की इस हफ्ते 2 दिन तक की सी, 4 दिन तक फिर बिजी हो रहे, कम में बहुत आ गया। ओके 4 दिन वो चुंडियां बढ़ गया बस, समझ पा रहे? क्यों? प्रभु ने कहा प्रार्थना में लगे रहो, परीक्षा में ना पढ़ो। तुम प्रभु से ऊंचा बनने की क्यों कोशिश करते हो? ज्यादा समझदार बनने की क्यों कोशिश करते हो? ओवर स्पिरिचुअल क्यों बनने की कोशिश करते हो? अगर उसने कहा कि लगे रहो तो लगे रहो। शारीरिक बहाने मत बनाओ कि हम नहीं लगे रह सकते। हालेलुया, चुनाव आपका है कि आपको अभी भी समझना है या नहीं। जीवन और मृत्यु, आशीष और चंगियाई आपके सामने है, वेद सामने है। हालेलुया, आप अगर बाइबल में देखें कई जगह आप पढ़ेंगे कि यीशु ने आत्मा में होकर उससे कहा, पढ़ा आपने बाइबल में, उसने आत्मा में होकर कहा, यीशु ने आत्मा में होकर कहा, आत्मा में होकर कहा, आहें भर के आत्मा में आहें भर के कहा, यीशु ने आत्मा में होकर कहा। याद रखो जब भी यीशु मसीह वचन बोलता था, पढ़ो बाइबल, आत्मा में होकर बोला उसने, आहें भर के लाजर बाहर आ जा, आहें भर के आत्मा में होके। बाइबल लिखित रूप में हमारे पास आई आत्मा में होके। तो यीशु मसीह ने जहां भी अगर आप पढ़ेंगे, कहीं भी आप पढ़ेंगे, हर जगह आप पढ़ेंगे कि यीशु ने जा, उसने जा, यीशु ने जा, चेले ने जा, नबी ने जा, पौलुस ने आत्मा में होके कहा, पत्रस ने आत्मा में होके कहा। तो आत्मा में होकर कहा गया लिखा है, इसका मतलब आत्मा में प्रार्थना में वचन कहना, आत्मा में होकर प्रार्थना करके वचन को कहना, आत्मा में प्रार्थना करते हुए वचन का उपयोग करना। हालेलुया, तो आत्मा में प्रार्थना करने से क्या होता है? उस समय आपने सीखा था, पर इस समय जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो आत्मा आपको क्या करने लग जाता है? उबारना शुरू करता है। इस बात को लिख लेना, जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं, आप शरीर में प्रार्थना कर रहे हैं, आप कर रहे हैं प्रेयर, बस जो आपका मुंह कर रहा है, दिमाग कर रहा है, सोच कर रहे, जो सुना है,
क्योंकि शरीर में प्रार्थना आप कैसी करते हैं, जैसी आपने प्रार्थना सुनी सुनाई प्रार्थना होती है। आप जिस अगुवे को सुनते हैं उसी स्टाइल में प्रेयर करते हैं, आप जिस फैमिली में रोज प्रेयर करते हैं वैसे ही आप प्रेयर करते हैं, आपका दोस्त जो प्रेयर कर रहे हैं वैसे ही आप कर रहे हैं, आपका फैमिली मेंबर जैसे प्रेयर कर रहे हैं आप भी उसी स्टाइल में उसी तरीकों से उसी रट्टी रटाई प्रेयर से आप भी प्रेयर कर रहे हैं। पर आत्मा में प्रेयर मतलब नए शब्दों से, नए वचनों से, आत्मा में होकर नई बातों से प्रेयर होना आत्मा में प्रार्थना है। तो आत्मा में प्रार्थना में आत्मा आपको उबारता है, तो आप आत्मा के उबारे जाने के द्वारा बोलते हैं, जैसे यीशु ने आत्मा में होकर कहा, बोला। आप आत्मा में उबारे जाकर कहना शुरू करते हैं, जैसे आपने निरंतर मेरी प्रार्थना सभा में देखा, चर्च में देखा, जब आत्मा में होकर आपको कहा जाता है, को वर्ड दिया जाता है, ऐसा कहोगे क्या, वो तुम बिलीव करते हो ऐसा होगा, लोग कहते हैं हाँ बिलीव करते हैं कि जो वचन आत्मा से होता है परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, खाली नहीं। हाँ अगर आत्मा ने आपको कहा है पास्टर जी हाँ ऐसा होगा, हम मानते हैं, लोग मानते हैं और ऐसा हो जाता है, फिर लोग गवाहियों के साथ आते हैं। वो कौन सी प्रेयर होती है, आत्मा में होकर दिया गया वचन कि कलीसिया आत्मा ऐसा कर चुका है, आत्मा ऐसा कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वो है आत्मा में प्रार्थना जो लोगों को छूती है। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। ये है आत्मा में प्रार्थना, पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलना, मतलब आत्मा की अगुवाई से सुनकर बोलना कुछ प्रेयर में, आत्मा की अगुवाई से कुछ सुन के बोलना प्रेयर में, आत्मा की अगुवाई से सुन के किसी प्रार्थना के विषय को छूना, किसी विषय को टच करना, आत्मा में उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणियां हो रही थी कैसे, आत्मा में प्रार्थना के द्वारा, आत्मा के उबारे जाने के द्वारा। बाइबल लिखी गई, लेकिन सारी लिख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है, सारी लिखित परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है, आत्मा के द्वारा लिखी, पर कैसे लिखी, आत्मा आया ऐसे लिख गया, ले लो किताबें, जो मूसा के टाइम लिखी थी कि पट्टियां 10 आज्ञाएं दी गई, ऐसे थोड़ा ना आत्मा लिख गया अब, लेकिन सारी लिख परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई। परमेश्वर का आत्मा भक्त जनों को उबारता था और वो लिखते थे, परमेश्वर का आत्मा उन्हें उबारता था, ये भविष्यवाणी को लेकर, यहेजकेल ये भविष्यवाणी को लेकर, यहोन्ना ये भविष्यवाणी को लिख, अमोस ये भविष्यवाणी को लिख, ये जर्मिया ये भविष्यवाणी को लिख, अंत के दिनों में ऐसा होगा, योएल नबी ये भविष्यवाणी लिख, अंत के दिनों में ऐसा होगा, आत्मा सब नुक्शों पर उंडेल दूंगा। और फिर वो भविष्यवाणी जो आत्मा में होकर उन्होंने बातें लिखी थी, बोली थी, वो प्रेरितों के काम में पूरी हुई। इसलिए आत्मा में होकर बोलना, आत्मा के उबारे जाकर बोलना आत्मा में प्रार्थना है। तो इतना सुन के क्या आप इस भूख से भर चुके हैं कि आप आत्मा में प्रार्थना करने का लक्ष्य आपको मिल चुका है, आत्मा में होकर मुझे प्रार्थना करनी है। और रोज अपनी प्रेयर में जाएं, शरीर से लड़ते हुए, शरीर से लड़ते आत्मा में रोज प्रवेश होने की इच्छा रखें। प्रभु मुझे प्लीज प्लीज आ ना पवित्र आत्मा, आ मैं तेरे साथ होके तेरी सहायता से आत्मा में होके आत्मा के उबारे जाने के द्वारा प्रेयर करना चाहता हूँ। ओके, आज आपने देखा नहीं हुआ, कल फिर आए आप, प्लीज आ परमेश्वर, नहीं हुआ, परसों बस आप बैठे हैं अचानक से प्रेयर आपने और वो शुरुआत में ही आग पड़ा आप पर, हालेलुया। ऐसे होगा कई बार, वो आपके स्टाइल से नहीं आता, आपके तरीके से जब आप करते वो नहीं, आप पुकारते प्रभु आ, वो आ नहीं रहा, जब किडनी 1% रह गई वो तब आ रहा है, चल सारी किडनी हील हो चुकी, समझ पा रहे हैं, जब आप पूरा खत्म होने पर आते कई बार वो तब आता है और दिखाता है फिर अपनी महिमा को, वो सुनता है वो आपके स्टाइल से पर आता वो अपने स्टाइल से, हालेलुया। तो इसीलिए आपको आपका काम है भूख दिखाना, जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा, याद रखो वो पवित्र आत्मा, वो पवित्र प्रतिज्ञा से बांधा हुआ है, आना तो है ही उसने, क्योंकि वो अपने वचन का सच्चा है, हालेलुया। जो प्यासा है वो तृप्त किया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम प्यास दिखाओ आत्मा में प्रार्थना शुरू होने की और वो ना आए।